अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 4 का सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किया था, पेज नंबर 45। डियर स्टूडेंट्स, हमने सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किया था, डिस्क्राइब फैक्टर्स दैट कैन ब्रिंग डेली एंड ईयरली चेंजेस इन द हैबिटेट। इसका आंसर है पेज नंबर 37। डियर स्टूडेंट्स, हमने इसका आंसर यहाँ तक कंप्लीट किया था। आज हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक। टेम्परेचर कैन आल्सो ब्रिंग चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए हैबिटेट। टेम्परेचर किसी भी हैबिटेट की पॉपुलेशन को तब्दील करता है। एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइज आर फॉल इन टेम्परेचर मे डिस्टर्ब द हैबिटेट। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का होना या बहुत कम हो जाना किसी भी हैबिटेट को डिस्टर्ब करता है। फॉर एग्जांपल, वार्म वाटर कंटेन्स लेस ऑक्सीजन। गर्म पानी के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप रोज़ का काम रोज़ याद करते होंगे और इसको नीट कॉपी पे लिखते होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।